बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है सब कुछ। तो कहते टाइम नहीं निकलता, मैं कहती टाइम पता नहीं कैसे भाग रहा है, पता नहीं है। कहते जब खुश होते स्मोक में बैठा है तो समय का पता ही नहीं चलता। स्प्रिंग डेल स्कूल देखो वो शो कारवांस। तो एक बार पहली मुलाकात में गुरुदेव ने पूछा था कैसे हो, खुश हो, दो क्वेश्चन एक साथ ही पूछा कैसे हो, खुश हो, संगीत का प्रोग्राम चल रहा है। तो उनको बस सिर्फ ऐसे खिलाया ही था और तब से मुझे लगता है कि खुशी है। बोलने भी नहीं कुछ और ऐसे ही पता ही नहीं था क्या बोलना है। बहुत अच्छा शुक्रवार बनाया गया। कैसे हो वो बताने का मौका ही नहीं था, खुश हो तो ऐसे कर दिया हो खुश है। और फिर बाद में बहुत साल के बाद पता चला कि उनके पूछने का एक मकसद होता है, वो ब्लेसिंग देते हैं उनको। उनको तो पता ही है सब कैसे हैं सब लोग। संगत तो खुश हो मायने खुश रहो हमेशा, ये ब्लेसिंग होती है। बढ़िया से खुश खुश। अब तो कह रही हूँ गुरु जी के यहाँ प्रेजेंस में होते नहीं, इससे ज्यादा और क्या खुश हो सकते हैं। खुश, बहुत खुश, ज्योति जगाई जा रही है। तो ये पूजा बोलते गुरु पूजा है बट ये गुरु की पूजा नहीं है। आप देखो कि हम पूजा या प्रार्थना क्यों करते हैं या किस भाव से करते हैं, दो कारणों से करते हैं। या तो हमें कुछ चाहिए होता है तब खड़े होते हैं उसके आगे कि मुझे ये दे दो, या फिर डर से ये ना हो जाए, ये ना छिन जाए, ये ना चला जाए, वो दो कारणों से हम करते हैं। तो ये पूजा ऐसी है जिसमें हम सिर्फ थैंक्स करते हैं कि जो कुछ है उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, हम आभारी हैं। ये पूजा इसलिए करते हैं श्लोकों के द्वारा, हर गुरु जितने भी गुरु हुए हैं ज्ञान अर्जित किया ऋषि मुनियों, फिर कुछ आए उन्होंने संग्रह किया, वेद बनाए, उपनिषद बनाए। अगर हम कुदरत से अर्जित करके, हाँ जी मैडम जी, आप जी का नाम की है जी? मेरा नाम रिंकू अग्रवाल है। अच्छा रिंकू अग्रवाल, ठीक है ठीक है। ये प्रोग्राम चल रहा है, सत्संग हो रहा है जी? यहाँ होली सेलिब्रेशन और विमेन डे सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, ओनली फॉर फीमेल्स है क्योंकि विमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके पीछे हमारा एक मकसद है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, तो हमारी एक एनजीओ है आर्ट ऑफ लिविंग की पहचान बताऊँ तो एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग में जो श्री श्री रविशंकर जी हैं इनका एक ही मकसद है, पूरा वर्ल्ड बिना किसी रीजन से मुस्कुराता रहे। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य को लेकर चले थे। आज हम 162 कंट्रीज में है और अपना मुस्कान फैला रहे हैं। ठीक है, तो होली के पीछे भी हमारा यही मकसद है। होली रंगों का त्यौहार है, तो अगर एक घर की महिला जो है वो रंगित होगी, खुशहाल होगी, तो नो डाउट उसका परिवार बहुत खुश होगा, और परिवार खुश होगा तो हमारा समाज समृद्ध होगा। तो इसी मोटिव को लेके आज हम अपने मन को खुशियों के रंगों से रंगने जा रहे हैं। हो सकता है हम अपने वस्त्र उतने ना रंगे क्योंकि हम फूलों की होली खेलने वाले हैं, और पर अपने मन को जरूर रंग के जाएंगे खुशियों के रंगों से। बहुत अच्छा जी, तो इस बार कोई लुधियाने तो भी आए हुए ना जी? यहाँ सुनैना दीदी आए हैं, वो हमारे एडवांस कोर्स टीचर है, वो लुधियाना से आए हैं। अच्छा, को भजन कीर्तन भी हो गई? हाँ जी बिल्कुल, तनु वर्मा जी यहाँ पहुँचने वाली है, वो यहाँ सत्संग करेंगे और हमें खुश करेंगे सबको, भाभी वोर करेंगे।
शंकराचार्य मध्यमा अस्मत् श्री गुरु पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् स बाह्याभ्यन्तर शुचि आवाहनम् नारायणम् पद्मभवम् वशिष्ठम् शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदम् महान्तम् गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं अंकोटकं वार्धिककारिं अस्मद्गुरुं सन् कुदती बोल बिच बिट के सूत्र भाष्य मिट्टी ही कितनी जा रही है भगवान हो इत्यादि तन वर्मा इंटरनेशनल सिंगर जिन्हें कहने का नाम बहुत दूर तक पहुंचाया है वो ये इतने मौजूद हैं जी। तनु जी आप इंटरनेशनल सिंगर हैं, हम सारी दुनिया में आपको देखते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप खन्ना के ही हैं, ये खन्ने के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके खन्ना में ही अपने शहर में? बिल्कुल जी, शुक्रिया आपका, इतना प्यार खन्ना के ही लोग इतना देते हैं। मेरा परिवार ही अब ऐसे लग रहा है कि बड़ा होता जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे बुलाया इन्होंने तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी, इन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं सेवा कर सकूँ आके तो बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। सबने बहुत प्यार दिया और मेरी यही कामना है कि मैं आगे भी देश विदेश में भगवान का नाम गाती रहूँ, ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ।